हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक चौहान और आप देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग एम्पायर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रो के प्रीव्यू को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन एथलीट्स हैं टॉप फोर क्रैक कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो और फिल हिट के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कैलिप्रो के प्रीव्यू से। गाइज, फोर्थ हो सकते हैं मोहम्मद सब्बान, जो की कम्पीट करने वाले है कैलिप्रो में। उनके लेग्स उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है, बट कहीं ना कहीं उनकी अपर बॉडी लैग कर जाती है और बॉडी फ्लो नहीं बन पाता है। जैसे की आप इस फोटो में देख होंगे कि सबान बहुत कंडीशन्ड और अभी फ्लैट लग रहे हैं, वैस्कुलरिटी काफी अच्छी लग रही है। उन्होंने फोटो में मेंशन भी किया है कि 3 days out carbs got me feeling। इसका मतलब है कि अब ये बॉडी को carbs दे रहे हैं, जिससे इनकी फ्लैट पड़ी हुई बॉडी फुल लगने लगेगी और स्टेज पर मसल बैलिस अच्छे से पॉप आउट करेंगे। तो नेक्स्ट जो एथलीट थर्ड पे रह सकते हैं वो है मोहम्मद अल इमाम, जिन्होंने इंडी प्रो में सबको शॉक कर दिया था। इनको जस्टिन के बाद सेकंड पोजीशन पे रखा गया था। अगर हम इनके इस फोटो की बात करें तो ये स्टेज पे अच्छे और कंडीशन लग रहे थे, बट कहीं ना कहीं इनकी भी अपर बॉडी लैग करती है। बट लैग्स में डीप सेपरेशन और अच्छी मसल मैच्योरिटी के होने से ये कई एथलीट से आगे निकल जाते हैं। तो गाइस, सेकंड पोजीशन पे पैट्रिक मोरे रह सकते हैं, जो कि अभी काफी अच्छे लग रहे हैं। इस वीडियो में आप उनकी कंडीशनिंग देख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो साइज में लैग कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सेकंड पोजीशन मिल सकती है, क्योंकि आजकल जजेस साइज को कंडीशनिंग और एस्थेटिक से ऊपर रखते हैं। पैट्रिक 2029 ओलंपिया में वन ऑफ द मोस्ट कंडीशन गाय में से एक थे, बट अभी के बॉडी बिल्डर्स बहुत ही ज्यादा साइज कैरी करते हैं कंडीशनिंग के साथ। तो पैट्रिक को देखना होगा कि वो इस गैप को कैसे कवर करेंगे। तो चलिए गाइस, जिसका आपका इंतजार था कि फर्स्ट पे कौन रह सकता है, तो गाइस फर्स्ट पे रह सकते हैं हसन मुस्तफा, जो कि मास विद क्लास बॉडी बिल्डर है। कैलिप्रो की लाइनअप में ये सबसे ज्यादा कंप्लीट बॉडी बिल्डर है, बस इनको अपनी कंडीशनिंग और पोजिंग रूटीन पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जैसे न्यूयॉर्क प्रो में देखा था हसन वहां सॉफ्ट लग रहे थे और अच्छे से पीक नहीं कर पाए, बट उस शो का लाइनअप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हसन को थर्ड प्लेसिंग दी गई थी, बट अगर कैलिप्रो की बात करें तो बस 10 बॉडी बिल्डर्स ही कंप्लीट कर रहे हैं, लाइनअप कोई ज्यादा खास नहीं है, तो हसन इस शो को आसानी से जीत सकते हैं और ओलंपिया 2021 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि टॉप 4 बॉडी बिल्डर्स कौन कौन रह सकते हैं, कमेंट डाउन बिलो। गाइज, नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो की तरफ से, जो की लग रहा था कि इस साल कैंसिल हो जाएगा, बट आर्नोल्ड ने डिक्लेयर कर दिया है कि शो 25 सितंबर को कोलंबस ओहायो में ही होगा, बट इस साल कोई एक्सपो नहीं किया जाएगा और कुछ लिमिटेड बॉडी बिल्डिंग डिविजन्स ही कंडक्ट कराई जाएंगी, और यहाँ जो टोटल प्राइज मनी दी जाएगी वो है $4,12,000। तो गाइस, आर्नोल्ड होना वाला है ओलंपिया 2021 से बस 2 वीक्स पहले, तो हमें शायद कुछ मेजर एथलीट देखने को नहीं मिल पाएंगे, जैसे कि करंट चैंपियन रेमी और ब्रैंडन करी, बट रोली और विलियम बोलक कम्पीट कर सकते हैं और हमें एक अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। लास्ट न्यूज अपडेट है फिल हिट की तरफ से, जिन्होंने कुछ ट्रेनिंग क्लिप्स शेयर करी है और उसमें वो बहुत ही स्मॉल लग रहे हैं। ये अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जब बॉडी बिल्डर्स ऑफ साइकिल जाते हैं तो डाउनसाइज्ड और स्मॉल दिखने लगते हैं, और ये कहीं ना कहीं जरूरी भी है बॉडी को स्टीरोइड से डिटॉक्स करने के लिए। बट जैसे ही बॉडी बिल्डर्स अपनी साइकिल फिर से शुरू करते हैं, वो कुछ वीक्स में वैसे की वैसे दिखने लगते हैं। तो अभी कोई नहीं बता सकता कि फिल 2021 ओलंपिया में कम्पीट करेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट डाउन बिलो। बट मुझे लगता है कि वो इस साल 2021 ओलंपिया में कम्पीट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो इतनी हैवी लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।